how many distinct positive integer value exist? Correct answer 6, candidate response 2. ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया? ये क्वेश्चन ने कैट का एक्चुअल क्वेश्चन उठाया है, दे हैव लिटरली कॉपी पेस्टेड कैट 2020 का क्वेश्चन. उसमें क्या था, दिस टू द पावर दिस, और जब इसको सॉल्व किया जाए उसका आंसर आ रहा है 6. तो अंकल अगर कॉपी करना ही था तो दिमाग तो लगाता कॉपी करने में कि चलो ठीक है तुमने गलत टाइप कर दिया, मिस टाइप हो गया, मिस्टेक हो गया. करेक्ट आंसर अभी 6 रखा हुआ है, इसको तो सॉल्व करके चेंज कर दो. पंगा ये है कि सॉल्व करने के लिए इतना दिमाग कहां से लाए वो अंकल जिसने पेपर कॉपी मारा है. दिमाग, सारा दिमाग तो कॉपी लगाने में वेस्ट हो गया. ठीक है, लाइक दिस वी आर गोइंग टू चैलेंज ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस वी हैव आइडेंटिफाइड इन द सीईटी पेपर विच माइट बी रॉन्ग. 40 क्वेश्चंस. हेलो गाइस, फाइनली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट 38 टू 40 क्वेश्चन रॉन्ग इन द सीईटी पेपर अक्रॉस द स्लॉट्स. 40 क्वेश्चन रॉन्ग होना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली स्लॉट 2 जिसमें अराउंड 23 क्वेश्चन रॉन्ग होने की शंका है. ये कंफर्म नहीं है कि रॉन्ग है कि नहीं है, विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एज वी गो लॉन्ग. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु हैव डन द हार्ड वर्क टू फाइंड द क्वेश्चन, स्पेशली स्लॉट 2 की अगर बात की जाए तो पार्थ एंड विनिष्का जिसने पूरा हार्डवर्क किया है. स्लॉट 1 से मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है जो पब्लिक ने रॉन्ग बोला है, और वेरी लेजी ग्रुप, सबसे लेजीएस्ट स्लॉट 1. जितना एक्साइटमेंट था इन लोग को उतना ही इनको कम इनकम हुआ है. स्लॉट 4 में अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो एलन इज फाइनलाइजिंग दैट ऑन स्लॉट 4. एंड स्लॉट 5 इज अगेन वेरी लेजी ग्रुप. एंड स्लॉट 3 में कौन है हमारा एडमिन? स्लॉट थ्री में भी अभी तक मुझे कोई नहीं मिला है. पीडीएफ एक सेट कर दिया उन्होंने इन लोगों ने फिर भी. एंड सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल यू गाइज जिन्होंने सारा हार्डवर्क किया है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी एक्सेप्टेड, विच क्वेश्चन मे नॉट बी एक्सेप्टेड. नंबर 1, द बेनिफिट विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू. ऐसा नहीं है वो जो घूम रहा है एक ईमेल के इन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो 1000 रुपए भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जिसने ऑब्जेक्शन दे दिया सबको बेनिफिट मिलेगा. एक और चीज, टुडे आई वाज टॉकिंग टू अ डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज, आई टुक हर इंटरव्यू एज वेल, शी सेड द बेनिफिट विल बी गिवन टू ऑल द पीपल हु अटेम्प्टेड द पेपर. हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है. तो ये अगेन वी आर गेटिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, बट इतना तो कन्फर्म है कि बेनिफिट सबको मिलेगा. एक चीज हो सकती है कि जिसने अटेम्प्ट किया उसको ही मिलेगा, बट सीईटी का पेपर एनीवे वी अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सो मोस्टली बेनिफिट विल बी गिवन टू ऑल ऑफ पीपल. अभी क्या हमें पॉइंट नंबर 3 में आके मेरे को डाउट है, अवार्ड 1 mark टू ऑल द पीपल, देयर टू कंडीशन. अगेन आई एम गेटिंग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल. सम आर सेइंग 1 mark विल बी अवार्डेड टू एवरीवन, सम सेड के द क्वेश्चन बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चन. और सीईटी में हिस्टोरिकली दोनों चीजें हो चुकी हैं, एक एक मार्क अवार्ड भी किया गया है और लिस्ट से क्वेश्चन भी निकाल दिए हैं. तो इस साल क्या होगा वी डोंट नो, बट यस देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग स्पेशली इन स्लॉट नंबर 2, दे हैव टू एग्री ऑन दैट. पॉइंट नंबर 4, आरसी, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट, इसमें आंसर मार्क करना, रॉन्ग आंसर उनका एक्सेप्ट करना विल बी वेरी वेरी टफ, क्योंकि दे कैन प्ले ऑन फ्रॉम द वर्ड बिकॉज ऑफ वेरी सब्जेक्टिव. तो मुझे लगता है आंसर ए है, लेकिन उसने अगर आंसर बोला बी है तो बी को ही माना जाएगा, सो दैट कैन बी द प्रॉब्लम. बट वो कैब लॉजिक क्वांट हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड. ठीक है, इनमें से कितने क्वेश्चन फाइनली वी आर गोइंग टू चैलेंज, आई एम गोइंग टू नाउ सिट. अभी रात को 11:32 हो गए हैं, आई एम मेकिंग द वीडियो, आई अपलोड द वीडियो टुमारो मॉर्निंग, आपको दिखेगा ये वीडियो. फाइन, पॉइंट नंबर 6, इफ यू कंपेयरिंग योर आंसर विद ऑनलाइन साइट बुक्स लाइक seeking.com, सर हमारी बुक में आंसर ए लिखा हुआ है, पर उन्होंने बोला आंसर सी, तो भाई वो मत लेके चलो, बिकॉज कोचिंग क्लासेस बुक्स का आंसर मोस्ट प्रॉब्ली विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय देम. ठीक है, वी हैव टू सी, वी हैव टू वॉच एंड वेट एंड वॉच. क्योंकि किसने बोला कि सर एक्स वाई जेड साइट से सेम क्वेश्चन मिल गया, तो भाई एक्स वाई जेड साइट पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया वो भी किसी बंदे ने सॉल्व किया ना, क्यों किसको पता कि स्टूडेंट ने सॉल्व किया हो, तो राइट है कि रॉन्ग है. You can't object on the technical issues. Like मैंने आंसर, सर मैंने पक्का आंसर ए मार्क किया गया था, बट पीछे आंसर सी, अभी सी दिखा रहा है वो. ऐसे क्वेश्चन हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो सिस्टम में फीडबैक सेट है वो सेट है. लास्ट ईयर वी हैड अ स्टूडेंट जिसका एस आई बी एम कन्वर्ट था, इमेजिन ही वॉज सिम्बिका मंगत टॉपर्स, सी ई टी में उसकी परसेंटल आई 0.01, पूरा पेपर ब्लैंक. हो ही नहीं सकता कि वो बंदा पेपर खाली छोड़ के आया हो. लास्ट बट नॉट यू कांट ऑब्जेक्ट टू द आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, कि सर ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन आ गया था तो इसके लिए
इन स्पेशली असर्शन रीजनिंग, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो ऑब्जेक्शन आपका नहीं चलेगा. सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दैट. नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन जो एक्सेप्ट होगा ही होगा, होना ही चाहिए. उन्होंने क्या बोला कि ये एम्बेडेड फिगर इसमें से किसके साथ मैच करती है. यू कैन रीड द क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम, इफ यू वॉन्ट टू रीड. जबकि उल्टा होना चाहिए था, दे शुड हैव गिवन दीज काइंड ऑफ इमेजेस एंड वन ऑफ दीज इमेज हियर. तो पूरा क्वेश्चन इसका उल्टा है. तो ये पूरा पक्का ये इंस्ट्रक्शन द रॉन्ग. ठीक है, तो ये वाली चीज यहां पे होनी चाहिए, ये वाली चीज यहां पे नहीं हो सकती. तो ये क्वेश्चन पक्का रॉन्ग एक्सेप्ट हो गई होगा. ठीक है, यहां पे सीमा और सीता, सो देयर द पॉसिबिलिटी दे माइट से कि नहीं सीमा और सीता दो अलग लोग हैं, तो ऑब्जेक्शन आ सकता है. ये तो पक्का वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले जहां तक मेरे को पता है, क्योंकि दे कैन प्रूव दैट ना यार, कि अभी हम लोग आंसर मार्क कर रहे हैं सी ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक. दे कैन प्रूव कि नहीं आंसर बी है ऑन सम एक्स वाई जेड लॉजिक, दे कैन आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट. तो इसमें कुछ ये वाले में एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत कम है. हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, बाकी देखते हैं कितना वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कितना नहीं करते हैं. सो ये स्लॉट टू के ऑब्जेक्शन, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं पांच, उसमें सारा पब्लिक ने हार्डवर्क किया है. ये देखो यार, सुरेश बोरोस 36,000 रुपीज एट द इंटरेस्ट ऑफ 6% एट द एंड ऑफ 4 ईयर, हाउ मच इंटरेस्ट सुरेश हैव टू पे अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट. जो भी आंसर आएगा वो 36,000 प्लस द इंटरेस्ट आएगा. तो एक भी आंसर सारी 36 वाली कोई है ही नहीं 36 के ऊपर. तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया. तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली वी विल चैलेंज. ठीक है, अभी पजल में यार वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे कुछ बोल नहीं सकते. पूरे पांच की पांच पजल को चैलेंज. सो स्लॉट टू में ये बड़ी प्रॉब्लम थी. स्लॉट टू में तो भर भर के क्वेश्चन है चैलेंज करने के लिए. सेम स्लॉट फाइव में देवर फाइव क्वेश्चन विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. लेट सी किस किस को चैलेंज करना है, हम देखते हैं इसको. ठीक है, बट लॉट ऑफ टाइम पीपल आर सेइंग कि बिकॉज आपने आंसर रॉन्ग मार्क किया है वो भी आंसर रॉन्ग होगा. वो आंसर आपका राइट करने के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि वो नहीं होने वाला. वी हैव टू सी दैट. सो आई एम गोइंग टू पे दैट मच मनी. तो देखो भाई, मैं देखता हूँ फाइनल कितना अमाउंट अपना आता है, कितना फटका लगता है. तो अराउंड 40,000 के आजू बाजू ये मुझे जो दिख रहा है फटका. मैं अभी बैठ के आज एक एक क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ फाइनली कितने क्वेश्चन में से निकल के आते हैं ऑब्जेक्ट करने वाले. ठीक है, सो इस मॉर्निंग नाउ. सो जब तक आप वीडियो देखोगे तो प्लीज आपको भी अगर कोई क्वेश्चन और ऐड करने हैं तो प्लीज डू ऐड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट वी कैन चैलेंज द क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.